हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी पांगी सीरीज का सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है। हमने पठानकोट से अपनी यात्रा शुरू की और चंबा व साच पास से होते हुए यहाँ पांगी तक आए थे। पांगी में 4 दिन बिताने के बाद आज मैं वापस जा रहा हूँ मनाली। चंबा, किलाड़ और किश्तवाड़ रूट्स के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये यात्रा भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किलाड़ से मनाली का सफ़र। आज सुबह मैं 6 बजे उठ गया और बाहर देखा तो बादल छाए हैं और ये बादल पहाड़ों के बीच अठखेलियाँ कर रहे हैं। पांगी घाटी के 3 गांव तो मैंने घूम लिए, पर अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है। किलाड़ से मनाली के लिए सुबह 7 बजे HRTC की एक बस चलती है, तो मुझे उसी बस में जाना है और मैं 6:30 बजे अपने रूम से बस स्टैंड के लिए निकल गया। यहाँ से बस स्टैंड करीब 0.5 किलोमीटर दूर है और मैं 10 मिनट में बस स्टैंड पहुँच गया। यहाँ किलाड़ से मनाली धर्मशाला जाने वाली बस तैयार ही थी, लेकिन आज मुझे आगे की सीट नहीं मिली। वैसे मैं आगे बैठना भी नहीं चाहता था, क्योंकि पूरे रास्ते नदी राइट साइड ही रहेगी और मुझे भी उसी तरफ बैठना था। हालांकि बस लगभग बुक्ड ही है और मुझे सबसे पीछे वाली सीट मिली। आगे की सीट्स के लिए आप 1 क्षण पहले इसको बुक कर सकते हैं। बस 7 बजे किलाड़ से निकल पड़ी। करीब 200 किलोमीटर के इस सफ़र में 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। रोड स्टार्टिंग से ही कच्चा है और मौसम वैसे आज साफ है, पर ये कुछ बादल इस घाटी में अटक से गए हैं। चंद्रभागा यानी चिनाब नदी सड़क से ठीक नीचे है। ये नदी बारालाचा पास से निकलती दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है। हिमाचल प्रदेश में वैसे इस नदी का नाम चंद्रभागा ही है और जम्मू कश्मीर में पहुंचने पर इसका नाम चिनाब हो जाता है। मतलब बारालाचा से निकली दो अलग नदियाँ चंद्र और भागा जब तांदी में आपस में मिलती हैं तब इस नदी का नाम चंद्रभागा हो जाता है। फिर जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सीमा पर संसारी नाला इसमें मिल जाता है तब इसका नाम चिनाब हो जाता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है रोड खतरनाक होता जा रहा है। एक तो रोड की हालत ऐसी, ऊपर से ये कच्ची चट्टाने और नीचे उफनती हुई बहती नदी। कई नालों पर तो यहाँ पुल भी नहीं है और बस को पानी में से होकर निकलना पड़ता है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने नदी वाली तरफ बैठकर गलती कर दी, और वो भी पीछे वाली सीट पर। आगे बैठा होता तो शायद इतना डर नहीं लगता, मगर यहाँ पीछे बैठकर बहुत डर लग रहा है, स्पेशली जब बस खाई की तरफ टेढ़ी सी हो जाती है।
इस तरफ ज़्यादा आबादी नहीं है, बस कुछ गिने चुने से ही गांव हैं। और इस तंग सी घाटी से निकलकर अब हमारी बस पहुंची गांव फिंडरू सेरी। और अब हमारी बस भर गई है और सब लोग यहाँ मज़े से सफ़र कर रहे हैं, बस मैं ही एक डरा हुआ हूँ। आगे से एक HRTC बस आ गई और अब इसको पास देने के लिए हमारी बस को पीछे हटना पड़ेगा। ये बस खजियार, जो कि यहाँ पांगी में एक छोटा सा गांव है, से किलाड़ जा रही है। और HRTC के दो चालक जब बीच रास्ते में मिलते हैं तो कुछ देर अपनी बातें तो शेयर करते ही हैं। और इस सड़क पर ये जो लोहे के पुल है ना, ये तो आपकी रूह ही कंपा देंगे। इतनी बड़ी बस जब इन पर से निकल रही है तो मेरे मन में तो यही ख्याल आ रहा है कि ये अब टूटा अब टूटा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कई लोडेड ट्रक्स भी यहाँ से निकलते हैं। जब यहाँ सड़कें नहीं होती थी तब यहाँ के लोग पैदल ही साच पास क्रॉस करके चंबा की तरफ जाते थे। तब लाहौल की तरफ से बहुत कम लोग आते जाते थे, इसीलिए पांगी हमेशा चंबा रियासत का ही हिस्सा रहा है और बाद में चंबा ज़िला का हिस्सा बना। थोड़ा और आगे जाने पर हमारी बस पहुंच गई मिंधल। मिंधल गांव यहां नदी के उस पार है और यहां पर मिंधल माता का मंदिर भी है। ये नीचे की तरफ मिंधल के लिए रोड जाता है और ये रोड पक्का भी है, क्योंकि ये रोड हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन है इसलिए ये पक्का है। कुछ भी कहो, लेकिन BRO ने इस रोड की बहुत अनदेखी की हुई है, जिसका असर यहाँ के निवासियों पर पड़ रहा है। हम जैसे यहाँ घूमने आने वाले लोगों ने तो कभी कभार आना है और हमारे लिए तो ये एक एडवेंचर ही है, मगर सोचिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बितानी है, उनके लिए तो 21वीं सदी भी एक कैद जैसी ही है। हमारी बस अब भर चुकी है और जो और सवारियां बस में आ रही हैं उन्हें खड़े होकर ही ट्रैवल करना पड़ रहा है। किलाड़ से केलांग के लिए एक और बस है जो कि 10 बजे किलाड़ से चलती है, मगर अभी वो बस बंद है, इसीलिए सारा लोड इसी बस पर है। तो किलाड़ से केलांग साइड के लिए बस दो ही बसेस हैं, एक ये 7 बजे वाली जो कि मनाली जाती है और दूसरी है 10 बजे जो कि केलांग तक ही है। बाहर के व्यूज़ तो बहुत सुंदर हैं, पर रोड ऐसा है कि व्यूज़ की ओर तो ध्यान ही नहीं जा रहा। पांगी और भरमौर एक ही विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं, हालांकि यहाँ के लोग पांगी को अब अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग भी कर रहे हैं। ज़िला चंबा के बाकी विधानसभा क्षेत्र तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन भरमौर पांगी मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा आप लोगों ने भी हमें कमेंट्स में यहाँ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। प्रमोद निगम जी ने शेयर किया कि वो 1980 में SBI चंबा में पोस्टेड थे, 1981 में किलाड़ में एक ब्रांच खोलने का डिसीज़न लिया गया,
ब्रांच का फर्नीचर दिल्ली से मंगवाया गया, मगर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर ने इसे किलाड़ ले जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फर्नीचर 2x2 feet से बड़ा नहीं होना चाहिए और भार भी 20 kg से कम होना चाहिए, क्योंकि ये सामान भेड़ों पर लाद कर ले जाया जाएगा। साथ ही अगर पगडंडियों पर भेड़ का पैर फिसला और सामान गिर गया तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इस हिसाब से फ्रेश फर्नीचर मंगवाया गया। चंबा से किलाड़ तक पूरी जर्नी पैदल थी और रास्ते में रुकने के लिए बस फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस। वाकई में उसके मुकाबले तो अब हालात काफ़ी सुधर गए हैं, मगर अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, स्पेशली कनेक्टिविटी के मामले में। अब हमारी बस में लोग खड़े खड़े ही ट्रैवल कर रहे हैं। बस में जितना लोड बढ़ रहा है, मेरा डर भी उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि जब हल्की सी भी चढ़ाई आती है तब लगता है कि बस अगर चढ़ नहीं पाई तो पीछे को लुढ़क जाएगी। जैसे ही कोई ख़तरनाक सा पॉइंट बस पार करती है तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सही रोड आ जाएगा, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक के बाद एक डेंजरस पॉइंट्स आ रहे हैं और इन पुलों का तो क्या ही कहना, अभी पता नहीं ऐसे कितने और पुल पार करने हैं। इस रोड पर ट्रैफिक वैसे बहुत कम है और ऐसे ऐसे नाले हैं कि छोटी गाड़ियों के लिए यहाँ निकलना थोड़ा मुश्किल है। और इसके बाद हमारी बस पहुँच गई पुर्थी गांव और यहाँ पर हमारी बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट होगा। 9 बजे हमारी बस पुर्थी में एक छोटे से ढाबे पर रुकी। और ये ढाबा देखिए, इसकी एंट्री एक गुफा जैसी है और अंदर काफ़ी अंधेरा भी है। यहाँ परांठे के साथ दाल और सब्जी भी मिली और मैंने यहाँ एक कप चाय भी पी। यहाँ खाने का प्राइस 80 rupees था। अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो बस चलने के लिए तैयार है। और यहाँ से चलने के बाद आ गया पक्का रोड, मतलब वह क्या बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पक्का रोड भी मिलेगा, लेकिन इस रोड पर आकर तो लग रहा है कि कितना आरामदायक सफ़र है। शायद ये थोड़ा ही स्ट्रेच पक्का होगा और ये अभी नया नया बना रोड ही लग रहा है। अगर किलाड़ तक ऐसा रोड बन जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और जल्दी ही ये पक्का रोड ख़त्म हो गया और जो फिर सामने का रोड दिखा उसे देखकर तो मैं और डर गया। मतलब बस कैसे निकल पाएगी यहाँ से। बहुत मुश्किल है ये सफ़र।
वो भी तब जब आप बस में खाई वाली साइड पीछे बैठे हों। अब ये स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन ये रोड बनाना आसान काम भी नहीं है। एक तो ये घाटी काफ़ी तंग है और ऊपर से एकदम स्टीप, हर जगह चट्टाने ही चट्टाने हैं और नीचे है नदी। लेकिन फिर भी यहाँ कई लोग अपने काम में जुटे हुए हैं। यहाँ के ऐसे लोहे वाले सभी पुलों की भार क्षमता 18 टन है और ऐसे करीब 10 पुल हम पार कर चुके हैं। अगर किसी वजह से ये पुल टूट जाए तो रोड तब तक बंद रहेगा जब तक उसे दोबारा ठीक ना कर दिया जाए, और मॉनसून टाइम में पुल कई बार टूट भी जाते हैं। हालांकि BRO ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत काम पर जुट जाता है। मेरे सिवा यहाँ सब लोग बस में आराम से बैठे हैं और मैं ही हूँ जो लगातार भगवान को याद कर रहा हूँ। पांगी में अगर रोड सही हो जाएं तो यहाँ पर्यटन की वो संभावनाएं मौजूद हैं जो शायद और कहीं नहीं। लेकिन वही कि यहाँ कोई पहुँचे कैसे, यहाँ बड़े ट्रक्स तो आ ही नहीं सकते। ये HRTC बसेस ही हैं जो सालों से इस घाटी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये BRO की कैंप साइट है और देखिए यहाँ मजदूर लोग कैसे कैसे रहते हैं। सच में राष्ट्र निर्माण में इन लोगों का सहयोग सबसे अधिक होता है। और ये झरना तो देखिए कैसे छुपकर बह रहा है, मानो घूंघट ओढ़ रखा हो। पांगी घाटी को कुदरत ने वो सब कुछ दिया है जो एक टूरिस्ट हिल स्टेशन में होना चाहिए। ऊंचे पहाड़, बर्फ, हरियाली, नदी नाले, झरने, जंगल, सब कुछ। यहाँ पहुंचकर तो ऐसा लगता है कि आप सच में जन्नत में आ गए हों। शहर की भीड़ भाड़ या शोर शराबे वाली दुनिया से अलग ये घाटी एक शांत और मन को सुकून देने वाली है। यहाँ इस घाटी में अगर आप 4-5 दिन गुजार लोगे तो यकीन मानिए उन्हें कभी भुला नहीं पाओगे। और ये है वो नाला जिसमें हाल ही में बाढ़ आ गई थी और पूरा रोड बह गया था। इसी वजह से ये रोड 3-4 दिन बंद भी रहा, लेकिन अब BRO द्वारा इसे फिल करके यातायात बहाल कर दिया है।
यहाँ भी BRO की मशीन्स काम में लगी हुई हैं। हमें तो अभी तक कहीं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, वरना कई बार वाहन यहाँ घंटों फंसे रहते हैं। अब हम लाहौल में पहुंच गए हैं और यहां पर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अभी तक हमने करीब 50-55 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया है और किलाड से चले हुए हमें 4 घंटे हो गए हैं। इसके बाद हमारी बस पहुंच गई तिंदी। तिंदी लाहौल का एक खूबसूरत सा गांव है। पांगी की तरह यहां भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। और यहाँ से अभी उदयपुर 25, तांदी 70, केलोंग 79, अटल टनल 100, मनाली 133 एंड कुल्लू 175 किलोमीटर दूर है। अब सड़क नदी के करीब आ गई है और अब लग रहा है कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, वरना ऊंचाई से देखने पर पानी कम ही लगता है। मैंने सोचा कि तिंदी के बाद अब ठीक रोड आ जाएगा, एटलीस्ट वैसे डेंजरस पॉइंट्स तो नहीं होंगे, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ भी वैसी ही सड़क है। कुछ देर बाद हमारी बस पहुंच गई उदयपुर और यहां पहुंचकर मेरी जान में जान आई। अब पक्का रोड भी आ गया है और इसके बाद आगे सारा रोड पक्का ही है। उदयपुर लाहौल स्पीति ज़िला की तहसील है और किलाड़ के बाद यही मेन टाउन है।
हमारी बस यहाँ बस स्टैंड में जाकर रुकी और ये कुल्लू से किलाड़ जाने वाली बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। हमारे यहाँ पहुँचते ही किलाड़ जाने वाली बस यहाँ से चली गई। आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद करीब 1 बजे हमारी बस यहाँ से चल पड़ी। ये सामने है त्रिलोकनाथ और ये त्रिलोकनाथ यहाँ लाहौल का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए आस्था का प्रतीक है। उदयपुर से तांदी 45 किलोमीटर दूर है और अब तो पक्का रोड भी शुरू हो गया है। यहाँ इस तरफ काफ़ी गांव भी आ रहे हैं, मतलब किलाड़ से उदयपुर तक तो गिने चुने ही गांव और घर दिखाई दे रहे थे, मगर अब इस तरफ काफ़ी घर हैं। थिरोट और जहलमा से होती हुई हमारी बस 3 बजे तांदी पहुंची। ये वो जगह है जहां चंद्र और भागा नदियां आपस में मिलती हैं और चंद्रभागा नदी बनती है। और यहां पर हम NH3 यानी मनाली से लेह जाने वाले रोड पर पहुंच गए हैं। अभी हमें यहाँ से लेह वाले रोड पर 9 किलोमीटर्स और केलोंग तक जाना है और वापस यहीं तांदी से होकर फिर मनाली की ओर जाएंगे। और कुछ ही देर में आ गया केलोंग। हमारी बस यहाँ केलोंग बस स्टैंड में जाकर रुकी। अब यहाँ पर हमारी बस चेंज हो गई है, मतलब जो किलाड़ से बस आई थी वो 37 सीटर थी, पर अब यहाँ से 47 सीटर बस आगे मनाली और धर्मशाला के लिए जाएगी। 3:30 बजे हमारी बस केलोंग से चली और फिर तांदी से होती हुई मनाली की ओर निकली। ऐसा रोड चाहे सिंगल लेन ही अगर पांगी के लिए भी बन जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। सच में बहुत खतरनाक रोड्स हैं पांगी के। 4-5 दिन वहाँ बिताने के बाद मैं तो भूल ही गया था कि अच्छी सड़कों पर ट्रैवल कैसा होता है। इसके बाद हमारी बस पहुँच गई अटल टनल। इस टनल की वजह से अब लाहौल के लोगों को तो काफ़ी सहूलियत हुई ही है, मगर पांगी के लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनका मनाली आने का ट्रैवल टाइम कम हो गया है। पांगी के लोगों ने भी कई बार सरकारों से चुराह और पांगी के बीच टनल बनाने की मांग करी है, मगर अभी तक कोई भी सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर पाई है। अगर वहां से भी ऐसी टनल बन जाए तब पांगी के लोगों का जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। 9 किलोमीटर लंबी इस टनल को क्रॉस करने में करीब 10-15 मिनट लग जाते हैं। टनल क्रॉस करने के बाद अब बस पहुंच गई ज़िला कुल्लू में। फिर धुंधी, सोलंग नाला और पलचान होते हुए 6 बजे हमारी बस पहुंच गई मनाली। यहाँ मनाली पहुँचते ही आज बड़े दिन के बाद दूसरे स्टेट की बसें भी देखने को मिली। तो 6 बजे हमारी बस यहाँ मनाली बस स्टैंड में आकर रुक गई और अभी यहाँ से ये 6:40 पर धर्मशाला के लिए निकलेगी। मैंने यहाँ होटल में रूम बुक कर लिया है जो कि यहाँ मॉल रोड के पास ही है, तो मैं सीधा अपने रूम में चला गया।
इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने मनाली काजा मनाली बस यात्रा की थी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हम लास्ट ईयर डाल चुके हैं, और इसके बाद फिर मैं अपने घर वापस चला गया। अगर पठानकोट से पांगी होते हुए मनाली पहुंचने का कुल खर्चा देखा जाए तो 6 दिन के इस ट्रिप में मेरे करीब 8,000 रुपये लगे। होटल्स के चार्जेस 500 से 800 रुपये पर डे के बीच ही रहे। तो दोस्तों, इस तरह हमारी पांगी सीरीज़ आज ख़त्म होती है। ये वीडियोस वैसे हमने जुलाई मंथ में शूट की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें तब पब्लिश नहीं कर पाए थे। पर उम्मीद है अगर आप आने वाले टाइम में पांगी का ट्रिप प्लान करो तो आपको इससे हेल्प हो जाएगी। ऐसी और नई वीडियो सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अच्छी लगी हों तो शेयर भी करते रहें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।